हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद दी लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स सो वन शॉट है ये स्टैटिस्टिक्स का एंड ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है क्या क्या चीजें हैं इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की सो so, बार ग्राफ क्या होता है अ बार ग्राफ इज अ वे टू डिस्प्ले डेटा ग्राफिकली बाय यूजिंग रेक्टेंगल बार्स बार्स आर यूनिफॉर्म इन विथ बट वेरी इन हाइट और लेंथ सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का बार ग्राफ होता है कोई भी डेटा को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मीन बार्स की हेल्प से करते हैं इसमें जो हमारी बार की ये है विथ है मतलब ये पार्ट जो है ये सबका सेम रहता है हाइट

एटी फाइव और 95, फाइव सो बी फोर की है एटी फाइव प्लस नाइन्टी फाइव हमसे दोनों की पूछा है रेशियो ठीक है ना क्या पूछा है कहाँ गया रेशियो पूछा है दोनों का सो so देख लो जरा इन दोनों को प्लस कर लो सेवन फोर्टीन सो बी टू का आ गया वन फोर्टी एंड हमारे पास बी फोर का आ जाएगा इसको प्लस कर लो फाइव फाइव टेन अगेन नाइन नाइन एटीन वन एटी सो हमें इसे रेशियो पूछा बी टू एक मिनट रेशियो बी फोर ठीक है बी टू का कितना है वन फोर्टी एंड रेशियो वन एटी जीरो से जीरो कैंसिल एंड 14 और एटीन दोनों ही टू के टेबल में आते हैं तो ये आ जाएगा सेवन इज टू नाइन ठीक है सो तो ये आ गया हमारे पास सेवन इज टू नाइन रेशियो ठीक है ये इस तरीके से हमसे पूछा गया था अंड अगर आपके पास डेटा दे रखा आपको ग्राफ बनाना है वो भी इजी होता है वो आपने हमने जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे तो आपको पता है कि हम कैसे बनाते हैं देन बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम भी ऑलमोस्ट ऐसे ही रेक्टेंगल बार्स यूज़ करके बनता है बट आप देखोगे जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हम बीच में ऐसे गैप छोड़ते हुए चलते हैं इसमें क्या होता है कॉन्टिन्यूस डेटा होता है तो हमारे जो ऐसे बार्स है रेक्टेंगल बार्स है वो एक के साथ लगे होते इस तरीके से जो कॉन्टिन्यूस डेटा है उसको अरेंज करने में हेल्प करता है सो हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वेयर डेटा इज ग्रुप कॉन्टीन्यूस नंबर रेंजेस एंड ईच रेंज टू अ वर्टिकल बार ठीक है सो रेक्टेंगल बार बोलो वर्टिकल बार बोलो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग नाउ अब एग्जाम्पल में हमें ये दे रखा है टेबल दे रखा है हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो ड्रॉ हो रखा है इसको ऊपर कर लो सिंस सिंह थ्री हंड्रेड से स्टार्ट करना है तो यहाँ से जीरो से थ्री हंड्रेड का गैप है ना तो ये किंग बना देंगे हम सो थ्री हंड्रेड देन देर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड ऐसे करके हमने यहाँ पे ने लेबलिंग कर ली एंड देन ये जो नंबर ऑफ लैम्प है आप यहाँ पे देखोगे नंबर्स और देखोगे जैसे अभी यहाँ पे सीधा फोर्टीन से फोर्टी एट का गैप है तो मतलब आप के ऊपर है आप कहां से नहीं 48 नहीं बड़ा सबसे बड़ा नंबर देख लो सबसे छोटा नंबर तो 14 ही है सबसे बड़ा नंबर है 86 सिक्स so, सो आपको जो ग्रुप वो बनाना होगा नंबर्स यहां पे लेने होंगे वो इस तरीके से अगर तो देखो गैप बहुत कम है तो आप टू टू फाइव फाइव का गैप ले लो या अगर बहुत ही कम है वन से टेन तक है तो आप वन से टेन तक पूरा ही ले सकते हो ठीक है सिंस यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट नाइनटी नंबर है एटी तक है तो आप नाइन्टी तक बनाओगे टेन टेन का गैप लेके हमने वो बना लिया ठीक है अगर आप यहाँ पे फाइव फाइव का गैप लेते तब भी गलत नहीं होता ठीक है चलो उसके बाद अब देखो कैसे करना है सबसे पहले थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड में फोर्टीन है सो so फोर्टीन देखो यहाँ पे कहीं आएगा सो so यहाँ से हमने इस तरीके से बना दिया देन नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स है 56 से 50 और 60 के बीच में फिफ्टी फाइव होगा उससे थोड़ा सा ऊपर हमारा फिफ्टी सिक्स होगा नेक्स्ट सिक्सटी है वो तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे सिक्सटी मिल ही जाएगा देन एटी सिक्स है नाइन्टी से थोड़ा सा छोटा नीचे कर देंगे देन सेवेंटी फोर हम यहाँ पे सेवेंटी से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे एंड इस तरीके से आप यहाँ पे बार्स बना सकते हो ठीक है कैसे ड्रॉ करने वो सब आपको पता है हमने जब क्वेश्चन कर रखे हैं इसके हमें पता है कैसे ड्रॉ करते हैं ठीक है लास्ट हमारे पास है पॉलीगन सो so, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी इसी तरीके का डेटा होता है जैसे हमने हिस्टोग्राम किया है बट इसमें हम मिड पॉइंट निकालते हैं हम बोल सकते हैं क्लास मार्क उसको बोलते हैं क्लास मार्क निकालते हैं एंड देन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ पूरे वो बार्स बनाने की जगह हम डॉट लगाते हुए चलते हैं और इस तरीके से उसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर द सॉरी, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर द पिक्टोरियल और डेटा से ठीक है तो बहुत ज्यादा ये हमारे पास डेटा है एंड अगर मुझे इसे पॉलीगन में लगाना है एक तो होता है देखो एक तरीका तो होता है कि पूरा जैसा हिस्टोग्राम है इस तरीके से पूरा हिस्टोग्राम बना लेते हैं एंड देन एक मिनट यहाँ पे इसके सेंटर में ये पॉइंट लगा दिया ये पॉइंट लगा दिया ये पॉइंट लगा दिया इस तरीके से पॉइंट्स लगा के इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक पॉलीगन बना सकते हैं अदरवाइज अगर आपको बिना हिस्टोग्राम के बनाना है तो आप क्लास इंटरवल निकालो सॉरी क्लास मार्क निकालोगे वो किसका निकालते हैं हम यहाँ पे निकालते हैं ये जैसे 140 से 150 है सो so, इसके बीच का नंबर निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे सिंपल 140 फोर्टी प्लस वन अपॉन में टू कर देंगे तो हमें यहाँ पे इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा या हम कह सकते हैं इसका क्लास मार्क मिल जाएगा सो so, देखो ये क्या होगा जीरो प्लस टू सो ये आ जाएगा सो ये आ गया सिमिलरली इसी तरीके से आप करते जाओगे वन फोर्टी फिर वन फिफ्टी फाइव फिर वन सिक्सटी फाइव इस तरीके से आपका आ जाएगा अब आप, आपके पास देखो अब क्लास इंटरवल से आप कहां तक पहुंच गए हमारे पास सिंगल नंबर सो so, यहाँ पे आपने प्लॉट कर लिया वन थर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव देन वन फिफ्टी फाइव देन सिक्सटी फाइव वन सेवन एटी फाइव वन फाइव एंड देन टू हंड्रेड फाइव एंड इस तरीके से आपने प्लॉट कर लिया आप सिंपल देखो जैसे वन फिफ्टी फाइव पे टेन है सो वन फिफ्टी फाइव पे टेन मतलब डॉट कहाँ लगेगा यहाँ पे ऐसे वन फाइव पे सिक्स होगा या जो भी नंबर आया होगा वो आएगा सो so इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सो so हमारे पास हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास प्रैक्टिस के लिए हैं एनसीआर बुक में आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो सी यू ऑल इन दीडियो टेक केयर एंड बाय